हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऊँट की पीठ ऊंची होती है, जिसे हम ऊँट की गुबड़ भी कहते हैं। ऊँट की गुबड़ फेट और पानी का स्टोर है। जब ऊँट को पीने का पानी नहीं मिलता, तब यही स्टोर्ड फेट और पानी खुद ब खुद उन्हें एनर्जी देने लगता है और यही उनकी कमजोरी भी बन जाता है। जब कोई ऊँट मरता है, तब उसकी बॉडी कई दिनों तक ऐसी ही पड़ी रहती है। किसी बॉडी के मरने के बाद उसकी बॉडी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो धीरे धीरे उसे डिकम्पोज कर देते हैं। उसी तरह जब एक ऊँट मरता है, तब उसकी गुबड़ में मौजूद फेट पानी से मिलकर रिएक्ट करने लगती है और एक भयंकर एसिड और गैस बना देती है, जैसे कि मीथेन गैस। और ऐसे एक्टिव रिएक्शन में पेट के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं और उसे अंदर ही अंदर भयंकर विस्फोट के लिए तैयार कर देते हैं। और ऐसी हालत में बाहर की कोई भी एक्टिविटी उन्हें टच कर देती है तो वो विस्फोट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मरे हुए ऊँट को टच नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।